ऐसी यूडीसी में बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो वेटिंग लिस्ट का पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आप सभी से क्लियर कह दूँ कि वेटिंग लिस्ट का पूरा जो क्राइटेरिया होता है वो ये रहता है कि जब तक सारे कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं कर लेते, मतलब इवन कई बार ज्वाइनिंग टाइम में भी कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ज्वाइन नहीं करते हैं, ज्वाइनिंग अपनी रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि आपको इंटीमेट करना होता है, एक डेट दी जाती है उसके पहले पहले कि भाई मैं ज्वाइनिंग कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर उस तब भी ज्वाइन नहीं करते हैं तो उसके अलावा आपको दोबारा से कैंडिडेट जो हैं वो आपके बाकी अदर कट ऑफ के नीचे से आपके उठाए जाते हैं। जब तक सारी सीटें आपकी भर नहीं जाती हैं तब तक ज्वाइनिंग का प्रोसीजर चलता है। जैसे ही उस पर्टिकुलर रीजन की सारी जो वैकेंसी हैं वो आपकी भरी जाती हैं, मतलब जो सीट्स हैं वो आपकी पूरी ऑक्यूपाई हो जाती हैं, उसके लगभग एक महीने बाद फिर कैलकुलेट किया जाता है कि भैया ये कैंडिडेट जो हैं वो आपके इतने वेटिंग लिस्ट में सेलेक्ट किए जाएंगे। और पीरियड आपको मैं बता दूँ, 2 साल का आपका पीरियड रहेगा उस वेटिंग लिस्ट की वैलिडिटी का, कि उसमें कोई भी कैंडिडेट छोड़ के जाता है किसी अदर जॉब में तो कहीं ना कहीं आप सभी कैंडिडेट्स के लिए मौका बन सकता है, ठीक है। तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ देखे रही है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जैसे ही आपकी MTS हो, स्टेनो हो, जैसे ही आपकी UDC की वेटिंग लिस्ट आपकी आएगी या कुछ भी ऐसा न्यूज आएगी वो यहाँ पे आप सभी को पता लग जाएगा, क्योंकि बहुत क्रूशियल टाइम है आप सभी के लिए। और हो सकता है कि इस टाइम में अलग अलग रीजन में बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इस पर्टिकुलर जॉब को छोड़ भी दे, तो भैया जिनका सिलेक्शन अदर जॉब पे हो गया है तो भाई वो इस जॉब को ज्वाइन ना करें, अदर कैंडिडेट्स को मौका दे, एक सीट मत बर्बाद करें। और एक चीज़ मैं आप सभी से क्लियर कह दूँ कि जो वेटिंग लिस्ट है जैसे ही सारे कैंडिडेट्स जाएंगे उसके लगभग एक महीने बाद आप सभी की आउट हो जाएगी, तो उसमें एक बार आप अपना नाम जरूर चेक करिएगा। और उसकी भी जो अपडेट है वो यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा, एक एक चीज़ की मैं अपडेट डाल देता हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो @SarkariNaukriWaleBaba टाइप करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हो। लेकिन ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि एक एक चीज़ की अपडेट जो होती है, इवन एडमिट कार्ड, रिजल्ट, हर एक चीज़ की अपडेट मैं वहाँ पे आप सभी को डालता रहता हूँ। ओके।